एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा, उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविजन देख रहे थे। टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज्ञापन आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उनका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी ज्यादा जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा, रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल रख दिया। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे।